तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक आईफोन की अपडेट बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं आईफोन का एक नया फीचर बताने वाला हूँ अभी, जो कि रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। फाइनली आईफोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर मिलने लगा है। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करेंगे और कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं पहले तो अपने नंबर पर कॉल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने अपने नंबर से यहाँ पर एक कॉल कर लिया है। अब कॉल करने के बाद आप जैसे आप कॉल उठाएंगे ना, कॉल कर उठाने के बाद आप ऊपर देखेंगे जहाँ पर टाइम दिख रहा है या फिर जहाँ पर ये आपको जो रिकॉर्डिंग का वो दिख रहा है ना, उसके नीचे आपको एक वहाँ पर रिकॉर्डिंग का आइकन दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक रिकॉर्डिंग का आइकन सा आपको दिख रहा है। आपको जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड करके, और यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चालू हो गई। आप देखेंगे यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग होना चालू हो गई और पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर एक कॉल रिकॉर्डिंग है। अभी अगर इसको म्यूट हटा दूँ तो जो जो मैं बोलूँगा वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग होती है वो आप देख रहेंगे। उसकी पूरी बेस के हिसाब से, पूरी साउंड के हिसाब से पूरा रिकॉर्ड होगा। जो सामने वाले बोलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, जो मैं बोलूँगा यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे इसको और फाइनली उसको यहाँ पर अभी नेक्स्ट 18 पॉइंट जो अभी वन का अपडेट आया उसको दिखाऊँ। तो 18.1 का जो बीटा वर्जन आया ना iOS का, उसके अंदर ये मेरे को अपडेट मिला। ये पब्लिक वाला जो बीटा वर्जन आया 18.1 का, और इसके अंदर मुझे ये वाला फीचर रोल आउट हो चुका है जिसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत टाइम से लोग इसको वेट कर रहे थे। अब जैसे ही मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट करूँगा, कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस पर क्लिक करते ही आपको वहाँ पर पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आपकी एक्सेस हो जाएगी। जैसा कि उसमें बता भी रहा है व्हाट्स न्यू इन नोट्स करके, और उसके अंदर सारे नोट्स के अंदर आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वो होगा जिनके थ्रू आपने कॉल किया है, जिनके नंबर से करा है, वो कॉल पूरा आपको दिख जाएगा। तो यही नया अपडेट था और यही कमाल का फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।